गाइज ये आ गया है दूध। नमस्कार गाइज, आज का न्यू ब्लॉग हो गया है शुरू और अभी सुबह का आ गया है मेरे पास न्यू ब्लॉग में दूध और पप्स, और यहीं से अब आगे चलते हैं नए जगह पर नए इंटरटेनिंग के लिए, कुछ नया कुछ खास के लिए। खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मैं चाय नहीं पीता हूँ, दूध और पप्स खा रहा हूँ, अभी खाना बना रही हूँ। और ये पीछे आ गया है मनी राज, क्या है कुछ गुस्से में है मनी राज, कुछ गुस्से में है, देखिए क्या बोल रहा है, कुछ बोलना है। और मनी राज बोल रहा है बंद कर दे दो, हाँ बोलो ना, क्या बोल रहा है, गुस्से में है कुछ। भाभी मना रही है मनी को, राज को। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अकासेपुर, ये देखिए पिंग, नेपाल का झूला पिंग, ये देखिए पिंग झूला मंथली में अकासे पुल के पास है। दोस्तों यही है अकासे पुल, दोस्तों यही है अकासे पुल, और अकासे पुल के पास हम आ गए। ये मंथली में है तामा को सिरीवर के ऊपर। अकासे पुल मतलब अकासे जगह का नाम है और यहाँ पर लोगों ने अकासे रख दिया। तो ये देखिए कैसा है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं अकासे पुल के ऊपर, यही है अकासे पुल, ये यही नदी बिहार में चली जाती है कहर प्रभाव, और ये हिमालय की ओर से आती है, ये देखिए हिमालय की ओर से। पहाड़ नदी झरना नेपाल में प्राकृतिक संपदा से ये नेपाल भरा हुआ है, दुनिया की प्राकृतिक संपदा में धनी देशों में एक नेपाल है। और यही मनमोहक है, शांति ही शांति है, मन शांत हो जाएगा यहां पर आने के बाद। एकदम शांति, यहां पर बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। ये नदी के बीच में देखिए सा है, मतलब बांध जैसा बन गया है दोनों साइड, ये नदी का पानी बह रही है और ये बीच में बांध जैसा है। और ये देखिए भाभी और प्रियंक, पानी आ रहा है, ये भाभी और प्रियंक हम लोग घूमने के लिए आए हैं। देखिए क्या नजारा है, ऊपर ऊपर पहाड़ पर, गाइज अभी मैं आ गया हूँ पुल के पास और ये नीचे जा रहा हूँ पुल के पास, ऊपर को देख लिया ऊपर का, अब नीचे से जाके देखता हूँ कैसा है। यहाँ का पानी आज छू के देखूंगा कैसा है, कोसी तामा कोसी जो हिमालय से आती है
उसका पानी छूकर देखूंगा कैसा है। चलिए देखते हैं, छूकर ठंडे पानी। देखिए दोस्त कैसा है ठंडा पानी, अरे एकदम फ्रिज जैसा पानी है, एकदम ही ठंडा पानी है ये तमाकोसी रिवर का। सूरज अस्त हो गया है, ये देखिए यहाँ पर मतलब अस्त नहीं हुआ है, पहाड़ों ने छेक दिया है सूरज की रोशनी को। दोस्तों नेपाल में पत्थर पहाड़ नदी झरना यही सब है, और यही सब प्राकृतिक संपदा मन को अपनी ओर खींचता है, और इसीलिए अपने मन की शांति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों से संत महात्मा नेपाल के हिमालय के एकदम दूर दूर तक क्षेत्रों में आते रहे हैं और यहाँ पर ध्यान तपस्या करते आ रहे हैं। ऐसे ही दृश्य को देखने के लिए, मनोरम दृश्य को देखने के लिए, जगह शहर गांव को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दिखेगा उसको दबाना मत भूलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू। दोस्तों नदी के किनारे ध्यान करना अद्भुत है, पानी की किलकल आवाज में ध्यान एकदम लगता है और मन शांत हो जाता है। अभी मैंने ध्यान किया और अलग ही अनुभूति का एहसास होने लगा है, मतलब बिल्कुल ही शांति मन में एकदम शांति सा अनुभव होने लगा है। थैंक यू। ऐसे वीडियो देखते रहिए जगह जगह पर अलग अलग जगह का। देखिए आ गए हैं खेत में, खेत में बंदा गोभी का रोपाई हो रहा है।